चलिए ना नेक्स्ट है अपना 15th क्वेश्चन। ये कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, इज दैट ना तीन गिवन है आपको, 2a - b पहला नंबर है, a - 2b दूसरा है और a+b तीसरा है, एंड इट इज सेइंग दैट ऑल आर डिस्टिंक्ट स्क्वेयर्स, सारे स्क्वेयर्स है और सारे स्क्वेयर्स कैसे डिस्टिंक्ट है। तो लेट से कि इसको ना मैंने पी स्क्वायर के इक्वल कर दिया, इसको क्यू स्क्वायर कर दिया, उसको किसके इक्वल कर दिया, आर स्क्वायर के इक्वल कर दिया। अच्छा तीनों डिस्टिंक्ट स्क्वायर्स है, इसको सॉल्व करना और आपसे पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, है ना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करें, सबसे पहले ना पी क्यू आर को एलिमिनेट करो या एबीसी को करो। एबीसी को करने का तो बड़ा आसान सा तरीका है कि आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, लेट से ये 1, ये 2 और ये 3, तो अगर मैं 3 - 2 कर दूं ना, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा, a - a गायब हो जाएगा, b -2 है, दैट इज 3b, दैट इज इक्वल टू r² - q²। पहली बात ना, आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल है। अच्छा सेकंड चीज यहाँ से आप देखोगे कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते तो ट्वाइस ऑफ ए बनता, वो इसके बराबर होता, और ये ऐड होने पर -2b और b ऐड होता तो -b बनता, वो इसके बराबर होता, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज इक्वल टू 2 + 3, वो दोनों का सम है ना। यहाँ से एक और इक्वेशन मिलेगी p² दैट इज इक्वल टू q² + r²। दो इक्वेशन आ गई। पहली चीज तो ये कि पी क्यू आर क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पहली चीज तो पी क्यू आर पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जैसे ये चीज मिलती है ना आपके जहन में, पाइथागोरस ट्रिपलेट आने लग जाते होंगे, 3 4 5 है ना, इसके अलावा 5 12 13 17 24 25 बहुत सारे हैं। ये तो इनिशियल है, 3 4 5 के मल्टीपल्स ले लो आप, 6 8 10 ले लो, या आप और बहुत सारे ले सकते हो ना, कोई से भी ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं, 30 40 50 है ना, बहुत सारे मिलेंगे। बट आपको बोला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, अगर मुझे बी स्मॉलेस्ट चाहिए ना तो मुझे पी क्यू आर को भी स्मॉलेस्ट पुट करना पड़ेगा। सही बात है ना, पी क्यू आर को स्मॉलेस्ट पुट करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट प्लस किसका मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, सोचना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है और ये जो डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल है, तो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपके जहन में आती है वो कैसे आएगी कि यार सबसे छोटा ट्रिपलेट कौन सा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है ना। तो अगर मैं सोचूं, क्योंकि r² - q² है तो पहली चीज r तो बड़ा होगा, ठीक है, तो अगर मैं सोचूं कि यार r बड़ा है तो ये r है और ये q है, और आपको दिख रहा होगा p हाइपोटेन्यूज वाली पोजीशन पे आ रहा है, तो सबसे बड़ा वाला p होगा, ठीक है, सबसे छोटा है, ठीक है, और मुझे इनके स्क्वायर का डिफरेंस 3 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं काम करता हूँ 3 4 5 के मतलब 3 के 4 के 5 के, ये भी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, ठीक है, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, और इन्हीं में वो ट्रिपलेट देख लेता हूँ जो खुद 3 के मल्टीपल है। सही बात है ना, मतलब जिनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल है तो वो खुद भी 3 के मल्टीपल होंगे, मुझे मिलेगा 9 और 12 और 15, ये मिल जाएंगे, है ना। आप चाहो तो पुट करके ट्राई कर लो, है ना, 3b दैट इज इक्वल टू r² - q² यानी कि 12² - 9² 12² इज व्हाट 144, 144 -81। अच्छा ये करोगे तो आपको कितना मिलेगा 63, और 3b इज इक्वल टू 63 को सॉल्व करने पे b कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, ये तो b आ गया, बट स्टिल है ना 100% सेटिस्फाई होने के लिए इसको इसमें भी चेक कर लो, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट कंसीडर किया तो इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा होगा, और इसमें इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, सबको कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका है निकालने का, बिकॉज आपको बी स्मॉलेस्ट बोला है तो बी कितना आ गया 21 आ गया। अच्छा बी अगर 21 आ गया तो आप चाहो तो यहाँ पे पुट करके ये निकाल सकते हो, बाकी तीनों निकाल सकते हो, ये बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 होगी। नोट कीजिए।